आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जो पंच देवता है, जो आपके कुल देवता होते हैं या उनके जो रूप है वही आपके कुल देवता हो सकते हैं, ईष्ट हो सकते हैं। तो पंच देवता की जो पूजा होती है उसमें जो सबसे सामान्य पूजा है वो होता है पंच उपचार पूजा, जिसमें पांच उपचार से पूजा की जाती है। पंच उपचार में क्या आता है? पंच उपचार में आता है धूप, दीप, नवेद, गंध और पुष्प। तो धूप किस चीज में आप जलाते हैं? जैसे भैरव जी को सरसों, चमेली और तिल का तेल मिला के हम लोग करते हैं, महादेव के रूप है। भगवती को हमेशा घी में, चमेली में या सिर्फ सरसों के तेल में, रूप पर निर्भर करता है। विष्णु जी को हमेशा घी का दीपक जलता है। तो इस तरीके से हर चीज का गंध में किस देवता को कौन सा गंध पसंद है, कौन सा इत्र चढ़ाना चाहिए। अब उसको इत्र बोलते हैं क्योंकि इत्र के रूप में ही आता, गंध के रूप में, गंध के नाम से आता नहीं। और जो परफ्यूम आता वो सेंट होता, उसमें अल्कोहल होता, तो वो चढ़ता नहीं, तो इत्र। उसी तरीके से फिर अगरबत्ती जो धूप है वो चढ़ता है, अब अगरबत्ती आने लगा है, ठीक है। और इन सब के बाद आता है पुष्प। अब पुष्प का क्या है कि पुष्प हर जगह, हर पुष्प जो है वो मिलता नहीं है, ठीक है। तो शास्त्रों ने ये बताया कि जो पुष्प मिल जाए उसका उपयोग कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले का वाक्य है कि पहले प्रयत्न करें कि जो पुष्प शास्त्र सम्मत है वो ही चढ़ाएं। अगर नहीं मिलता है, आपके क्षेत्र में ही नहीं मिलता है, तब फिर आप किसी दूसरे पुष्प का या जो देवताओं में जो पुष्प निषेध है उसका प्रयोग करें। लेकिन एक क्रम बताया गया है कि आप किस पुष्प का प्रयोग करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपको किस पुष्प का प्रयोग करना चाहिए? आपके इष्ट विष्णु है तो आप किस पुष्प का प्रयोग करें? किस पुष्प का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो इसी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। इसमें दो विषय है, एक कि भ्रांतियों से दूर रहेंगे, कभी भी जैसे गिर गया पुष्प तो उसको प्रयोग नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा कि पुष्प जो है इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कभी भी धो के नहीं चढ़ाना चाहिए। पत्रों को जैसे बेलपत्र, तुलसी पत्र, इनको धो के आप चढ़ा सकते हैं, पुष्प को धो के नहीं चढ़ाना चाहिए। तो पंच देवता में सबसे प्रथम कौन है? ओम गण गणपतये नमः। तो गणपति को जो है वो गणपति है, यज्ञ जो शुरू होता है वो गणपति से होता है। आपके ईष्ट, आपके कुल अगर गणपति हैं तो प्रसन्नचित रहिए, क्योंकि गणपति की पूजा में आप जो भी फूल आपके सामने आ जाए उसको आप चढ़ा सकते हैं। गणपति एक ऐसे देवता है जिनके लिए ये फूल निषेध है और ये फूल प्रिय है, ऐसा नहीं। उनको जो पुष्प आप चढ़ा देंगे उसी में वो प्रसन्न रहते हैं। और पुष्पों के साथ दुर्वा, जो देखिए अभी जो फोटो में ये जो घास जैसा आपको चीज दिख रहा है इसको दुर्वा कहते हैं, ठीक है। तो दुर्वा एक तरह का घास होता है, उसमें तीन पत्ती और पांच पत्ती वाला जो दुर्वा होता है वो गणपति को चढ़ाना चाहिए। गणपति को ये अति प्रिय है, पुष्प से ज्यादा प्रिय है, ठीक है। तो दुर्वा चढ़ाइए। एक चीज जो निषेध है गणपति को आप नहीं चढ़ा सकते हैं, वो है तुलसी का पत्र। पद्म पुराण में बिल्कुल ही लिखा हुआ है कि तुलसी का पत्र जो है गणपति को आप नहीं चढ़ा सकते हैं। तो सब कुछ चढ़ा लीजिए लेकिन गणपति को सिर्फ तुलसी का जो पत्ता है वो आप नहीं चढ़ाइएगा, बाकी सारे पत्ता आप और सारे पुष्प आप गणपति को चढ़ा सकते हैं। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। देवी के लिए भगवती, भारत में 50% ऐसे कुल हैं जिसमें कुल देवी होती है और वह भगवती होती है, ठीक है। तो एक बड़ा, क्योंकि शिव शक्ति है ना, दोनों समानांतर लेकिन विपरीत शक्ति है। तो जो भी पुष्प, मैं आगे आपको बताऊंगा, जो शिव में निषेध है वो सारे पुष्प भगवती को आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो सब जो है गौरा को पसंद है, जो गौरा को चढ़ता है वो महादेव को नहीं चढ़ता है। भगवती के लिए आसान बात यह है कि जो भी लाल पुष्प है
वो सब भगवती को चढ़ता है। जो भी श्वेत मतलब सफेद पुष्प है वो भगवती को प्रिय है। बेला, चमेली, केसर, श्वेत लाल, श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, कनेर, आक, शीशम और अपराजिता, ये जो है भगवती को आप हमेशा चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आग का जो फूल होता है और मदार जो होता है, ये दो फूल सिर्फ भगवती दुर्गा को चढ़ता है, बाकी किसी भी भगवती का जो स्वरूप हो दुर्गा के अलावा उनको आप ये फूल नहीं चढ़ेंगे, सिर्फ ये दो को चढ़ाएंगे। ठीक है, शमी का, अशोक का, केवड़ा का और कमल, ये भगवती को अति प्रिय है, ये अलग से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, भगवती को क्या नहीं चढ़ता है? दुर्वा जो गणपति को चढ़ता है वो नहीं चढ़ता है, तुलसी का जो पुष्प है वो नहीं चढ़ता है, मतलब उसके जो उसका जो बर्ड होता है वो नहीं चढ़ता है, भंगरैया एक फूल होता है वो भगवती को नहीं चढ़ता है, और मालती का जो फूल है, ये सब जो है एकदम फूल जो है ये भगवती को नहीं चढ़ना चाहिए, कभी भी नहीं चढ़ेगा, ऐसे भी ये सब फूल मिलता नहीं है आज के दिन में। इसके बाद कौन है? सांब सदाशिव में महादेव। अच्छा, महादेव का क्या है कि आप महादेव को कुछ भी चढ़ा लीजिए, ठीक है, लेकिन पुष्प जो है वो महादेव को बहुत प्रिय है। तो कहा गया है, पहले क्या होता था कि ब्राह्मणों के वजन के हिसाब से जो है उनको स्वर्ण दान किया जाता था, ये सब जमाना था। तो जो 10 ऐसे सुवर्णों को, सोना जो आप दान करते हैं वजन के हिसाब से, उतना फल आपको सिर्फ महादेव पर एक आग का फूल होता है ना, जो अभी मैंने बताया कि भगवतियों में निषेध सिर्फ दुर्गा को चढ़ता है, वो चढ़ाने से होता है। 1,000 आग का फूल जो है उसके बराबर जो है एक कनेर का फूल होता है। 1,000 कनेर का फूल के अपेक्षा एक जो है बेलपत्र चढ़ाने का फल होता है, और 1,000 बेलपत्र के अपेक्षा एक गुमा फूल, जिसको द्रोण पुष्प कहते हैं, द्रोण पुष्प जो है तांत्रिक प्रयोग होता है, ये धान के खेतों में होता है, सिर्फ एक सीजन में होता है, इसको फिर काट के रख लेते हैं साल भर। जब आप भगवती दुर्गा का आवाहन भी करेंगे तो महादेव के आवाहन के लिए द्रोण पुष्प का प्रयोग होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कहते हैं कि जो 1,000 द्रोण पुष्प के बराबर जो है एक चिचिड़ा, ठीक है, 1,000 चिचिड़ा के बराबर एक कूस का फूल, और 1,000 कूस के फूल के बराबर एक शमी का पत्ता होता है, फिर शमी से भी ऊपर है क्या, तो शमी के पत्ता जो है 1,000 के बदले एक नील कमल, और 1,000 नील कमल से बढ़कर एक धतूरा सिर्फ महादेव को आप अर्पण कर दें। ठीक है, और जो बड़ा बड़ा रेयर है वो है शमी का पत्ता, शमी का फूल जो इसका पत्ता हमने शुरुआत में बताया, तो 1,000 धतूरे के बराबर एक शमी का फूल आप महादेव को चढ़ा देते हैं, और सबसे ऊपर है नील कमल, पहले भी मैंने नील कमल बताया, लेकिन शमी के भी ऊपर नील कमल अगर मिल जाए तो फिर वो बहुत उनको प्रिय है। ठीक है, इसके अलावा चमेली, हाँ, मदार, श्वेत कमल, शमी का फूल और जितना तरह का पुष्प है वो भगवान को चढ़ता है। जो जल में पुष्प उगते हैं, वो चाहे वो कुंभी का क्यों ना हो, वो सब जो है महादेव को प्रसन्न है। और उसके बाद ऐसे पुष्प हैं जो महादेव पे नहीं चढ़ने चाहिए, जैसे क्या, जो भगवती को लाल पुष्प चढ़ता है तो महादेव को कोई भी लाल रंग का पुष्प नहीं चढ़ना चाहिए, और जो कदम्ब का पुष्प है वो निषेध है, महादेव को नहीं चढ़ सकता है। मैं मिलने वाले फूलों में कह रहा हूँ, लिस्ट बहुत लंबा है। ठीक है, केवड़ा जो होता है उसका जो पुष्प है वो महादेव को नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है, जो वसंत ऋतु में जो कंद विशेष है ना, जो सिर्फ वसंत ऋतु में जो पुष्प होते हैं वो महादेव को नहीं चढ़ सकते हैं। अब आते हैं नारायण पे, ओम नारायणाय नमः। तो नारायण विष्णु, कोई भी जो पीला पुष्प होता है वो विष्णु को अति प्रिय होता है, तो पीला रंग का पुष्प जो है वो सबसे ज्यादा विष्णु भगवान को चढ़ाना चाहिए, जो भी पीला रंग का पुष्प मिल जाए। लेकिन जैसे महादेव की पूजा में पुष्पों की महानता है, वैसे ही बोला जाता है कि रत्न हो या मणि हो, ठीक है, सबसे ऊपर अगर कोई किसी चीज को
चढ़ाने से फल मिलता है नारायण पूजा का, तो वो होता है तुलसी का पत्ता। तो भगवान को तुलसी का पत्ता जितना प्रिय है उतना कोई भी रत्न और कौस्तु प्रिय नहीं है। उसके बाद जो तुलसी दल होता है, तुलसी के ऊपर काला वाला, वो जो गुच्छा होता है, वो भगवान को अति प्रिय है। ठीक है, अगर तुलसी दल नहीं होता है तो कनेर का, बेला का, चंपा का, कमल या मणि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मालती का जो पुष्प होता है उसका जो माला है वो बना करके भगवान की पूजा करना चाहिए। श्रृंखला के हिसाब से जाए तो 10 स्वर्ण सुमन देने के बराबर जो है एक फूल आता है गुमा के, उसको चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है। श्रृंखला से बताता हूँ, गुमा के, ठीक है, उसके ऊपर शमी का पुष्प, ठीक है, उसके ऊपर मौल सिरिका का फूल, उसके ऊपर कनेर का फूल, उसके ऊपर कनेर में भी एक सफेद कनेर आता है तो सफेद कनेर से और खुश होते हैं, उसके ऊपर फिर कुश का जो फूल होता है वो, उसके बाद कौन, बेला, उसके ऊपर चंपा, उसके ऊपर अशोक का फूल, ठीक है, उसके ऊपर गोजटा का फूल, उसके ऊपर मालती का फूल, उसके ऊपर सफेद त्रिसिंधी का फूल, ठीक है, और सबसे ऊपर जो होता है विष्णु के लिए वो है चमेली का फूल। देव स्वभाव के हिसाब से विष्णु जी को भी जो अति प्रिय है वो है कमल का फूल, तो वो आप चढ़ा सकते हैं। अब आते हैं कि विष्णु जी को क्या क्या निषेध है, तो आग, धतूरा, अपराजिता, ठीक है, चिड़चिड़ा, पीपर, आमड़ा, गूलर, है ना, कचनार, ये सब जो है ये आप नारायण को नहीं चढ़ा सकते, इनसे नारायण रुष्ट होते हैं। ओम सूर्याय नमः। सूर्य देवता को सबसे उत्तम क्या होता है कि जल लीजिए, 24 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और चढ़ा दीजिए। इसके अलावा अगर पुष्प अर्पण करना चाहते हैं तो जितना 100 स्वर्ण मुद्राओं को दान करने का फल है उतना एक आग का फूल अगर आप सूर्य नारायण को चढ़ा देते हैं तो वो आपको उतना ही फल देता है, ठीक है, और 1,000 अड़हुल का फूल भी उनको चढ़ता है, लाल अड़हुल का, तो 1,000 चढ़ाने के बराबर एक कनेर का फूल जो है आपको फल देता है, और 1,000 कनेर के फूल के बराबर एक बिल्वपत्र आप सूर्य नारायण को चढ़ाते तो फल देता है। बिल्वपत्र का 1,000 जो है वो जो है पद्म, ठीक है, सफेद नहीं होना चाहिए, वो आपको फल देता है, और जो रंगीन पद्म होता है 1,000 चढ़ाए, या मौलसरी एक फूल होता है, मौलसरी के ऊपर माना जाता है कि कुश का फूल जो है वो सूर्य नारायण को पसंद है, कुश के फूल के ऊपर अगर कुछ आप चढ़ाना चाहते हैं तो शमी का फूल चढ़ाइए, उससे भी ज्यादा आपको फल चाहिए तो आप नील कमल चढ़ाइए, और नील कमल से भी ज्यादा आपको फल चाहिए तो आपको जो है लाल कनेर, ठीक है, ये आपको सूर्य नारायण को चढ़ाना चाहिए। क्या हो गया, बेला, मालती, काश, कनेर, चंपा, है ना, कमल, मौलसरी, अगस्त्य, पलाश, ये फूल जो है ये सब उनको चढ़ता है, ठीक है। शमी का फूल नहीं मिले तो एक पुष्प होता है कटेरी का, वो आप चढ़ा सकते हैं सूर्य नारायण को। पत्तों में आप चढ़ा सकते हैं बेल पत्र, शमी का पत्र, तामल पत्र, तुलसी और काली तुलसी के पत्ते। सूर्य नारायण को क्या नहीं चढ़ता है, गुंजा नहीं चढ़ता है, धतूरा नहीं चढ़ता है, अपराजिता नहीं चढ़ता है, तगर नहीं चढ़ता है, और आमड़ा नहीं चढ़ता है। तीन सिद्धांत और जान लीजिए, पुष्प नहीं मिले तो पत्ता चढ़ाइए, पत्ता नहीं मिले तो क्या कहते हैं फल चढ़ाइए, ठीक है, और अगर पुष्प से ज्यादा 1,000 गुना लाभ चाहिए तो माला चढ़ाइए इन पुष्पों का। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें जो साधना का शुरुआती विधान है मैं आपको सिखाता हूँ, जिसमें आसन बंधन, दिशा बंधन, यंत्र मंत्र तंत्र, भैरव जी की पूजा, ये मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मेरा मेरे द्वारा लिखे गए लेके आगे का कार्यक्रम जानना है तो www.agurtantra इस पर लॉग इन कीजिए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर आप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। डायरेक्ट भी आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आज के लिए, हाँ, लेकिन अपॉइंटमेंट तब मिलेगा जब मेरे पास समय हो। आज के लिए इतना ही। पंच देवता आप पर आशीष बरसाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आराख आदेश।